अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मोहम्मद उज़ैफा, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हाय, फिर ये था एक प्रो इंट्रो, एक प्रो व्लॉगर का इंट्रो। तकरीबन कोई 6 दफ़ा मैंने वीडियो डिलीट की है और ये वाली आइटम करते हुए एक दफ़ा हाथ मोबाइल को लगा और मोबाइल नीचे गिर गया। बस ये 3 लाइन्स जो थी ये मुझसे फ्लो में नहीं बोली जा रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, कि मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ इफ्तारी करने जी। और इफ्तार यहाँ पर जो होता है वो 3 तरीके से होता है भाई। नंबर 1 जो है वो मस्जिद के अंदर जो होते हैं पानी या खजूरें होती हैं, उससे आप खोल सकते हो और वो कभी कभार अवेलेबल नहीं होती। नंबर 2 जो होता है साथ एक ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ से जाकर आप कोई ना कोई चीज़ ले लें। और नंबर 3 के ऊपर जो है वो फिर जंग है। मस्जिद के बाहर इन्होंने लाइन बनाई होती है, मतलब कि जिन लोगों के पास इतना अर्निंग सोर्स नहीं होता, डेली वेजेस वाले जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो जो है सर लाइन बाहर बना लेते हैं और कोई ना कोई आता है इफ्तारी कराता है। सबसे पहले तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं जैसे भाई इनसे ज़्यादा कोई शरीफ बंदा नहीं है, लेकिन जैसे कोई बंदा आ जाता है इफ्तारी करवा रहे, फिर ये एक दूसरे को पढ़ते हैं इस तरह से और फिर पाकिस्तान याद आता है कि ये देखें जी, मस्जिद के बाहर लोगों ने इस तरह से लाइन बनाई हुई होती है और जिसने इफ्तारी करवानी होती है वो आता है और इनको इफ्तार करवा देता है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपकी परमानेंट जॉब दुबई में नहीं है, डेली वेजेस पर आप आना चाह रहे हैं, तो फिर दुबई की जो लाइफ है ना वो बहुत अनफेयर हो सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पर रिहाइश भी बड़ी महंगी है, उसके बाद फिर नौकरी जो है वो भी नहीं मिलती इतनी जल्दी, नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उनकी तरफ मैं कैमरा लेकर जाऊँगा नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अभी ये जैसे शांत बैठे हैं ना भाई, जैसे ही कोई इफ्तार करवाने आएगा तो फिर यहाँ पर माहौल बन जाता है। अभी मैं चल के देखता हूँ मस्जिद के अंदर कि मस्जिद के अंदर पानी खजूर अवेलेबल हैं, तो वो मैं सबसे पहले उठा लूँ, पहले मैं अपना इंतज़ाम तो कर लूँ ना, नहीं तो फिर आके इधर देखेंगे ग्रॉसरी स्टोर वाली साइड पर कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। कभी कभार लस्सी जो है वो भी इधर मिल जाती है, तो अल्लाह करे आज लस्सी भी मिल जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। हाँ दी, ये देखें इन्होंने पानी भी रखा हुआ है और खजूरें वगैरह भी रखी हुई हैं साथ ही। ये है जनाब लस्सी, लेबन अप, 1 दिरहम की है ये। बस आप लोगों ने जो क्या करना है, मेरे व्लॉग देखते हैं जिन्होंने यूएई में आना है, 50 दिरहम से ऊपर मैं आप लोगों का महीना खर्चा नहीं होने देता। बहुत अच्छी होती है। अभी जो है मैं फिर नमाज पढ़ने जाता हूँ। हाँ जी, नमाज तो अब मैंने पढ़ ली है, अभी जा रहा हूँ मैं फार्मेसी पर और वहाँ पर जाकर मैं ऑर्डर करवाऊँगा बिरयानी, फिर उस बिरयानी की वीडियो भी बनाऊँगा और वो मैं दिखाऊँगा। पाकिस्तानी होटल है एक, वहाँ से मंगवाता हूँ। 9 दिरहम की जो है जो ये बिरयानी है ये, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। इसके अंदर सबसे पहले ये देते हैं जनाब, ग्रेवी है चिकन की, रायता भी है और ये छोटा मोसा सैलड है, और उसके बाद आ जाती है जी मेन आइटम ये बिरयानी। तो चलें शुरू। तो चलें जी, मेरी ड्यूटी की टाइमिंग भी ख़त्म हो गई है, ऑफ हो गया, तो आज के व्लॉग का भी
हम यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, और व्लॉग तो एंड करेंगे चाय के ऊपर। चलते हैं फिर, चाय पीते हैं फिर एंड करते हैं व्लॉग।